हेलो एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ गाजर और आलू से बना भुजिया, जो काफ़ी टेस्टी होता है खाने में और हेल्दी भी है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए चाहिए आलू, हरी मिर्च और थोड़ी सी गाजर। इसमें गाजर डाल देने से इसका कलर बहुत ही सुंदर आता है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी होता है। बच्चों के लिए ये काफ़ी अच्छा है, ये हेल्दी है। किसी भी नाश्ते के साथ, रोटी पराठा या पूड़ी किसी के साथ भी इसको दे सकते हैं। इसके लिए आलू को पहले सरसों तेल में अच्छे से भून लें, जब तक वो पक ना जाए। आलू को पकने के बाद ही उसमें गाजर को डालना है। फिर इसमें हरी मिर्च डालकर 5-6 मिनट तक भून लीजिए, क्योंकि गाजर तो को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और मिर्च को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा इसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक को डालना है अपने स्वाद के अनुसार, और कुछ भी नहीं डाला मैंने इसमें। काफ़ी अच्छा है, हेल्दी है, अब तीखा भी ज़्यादा नहीं है। अगर अगर बच्चे को दे रहे हैं तो हरी मिर्च को हटा दे। इसमें गाजर डालने से काफ़ी कलरफुल हो जाता है। इसको चावल दाल के साथ भी दे सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बना हुआ बिना मसालों का भुजिया है। कुछ भी मसाला इसमें नहीं ऐड किया है मैंने। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के हिसाब से और देखने में तो बहुत ही कलरफुल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।